लिटरेरी डिवाइस एनएस ट्रॉफी की। दोस्तों एनएस ट्रॉफी का बेसिकली मतलब होता है कि जब आप किसी भी सेंटेंस के जो वर्ड हैं उसको रीअरेंज कर देते हैं, यानी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिख दिया आपने, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, या वर्ब को आगे पीछे, जो एक ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का, जब आप उसको आगे पीछे कर देते हैं तो उस समय वो कहलाता है एनएस ट्रॉफी। अच्छा एक सवाल ये होता है कि ऐसा क्या क्यों जाता है, जो एक ऑर्डर है उसको, एक पोएट या एक शायर उसको डिसऑर्डर क्यों कर देता है? तो इसका यही मतलब होगा कि वो अपनी पोइट्री को स्ट्रोंग करने के लिए या अपनी बात को अच्छा बनाने के लिए कई बार ऐसा कर देता है कि ये वर्ड आगे और वो वर्ड पीछे, यानी जो उसका एक ऑर्डर होता है उसको आगे पीछे वो कर सकता है। खैर जो भी है, ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है एनएस ट्रॉफी, जिसमें किसी सेंटेंस के, किसी लाइन के या किसी भी बात के वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया जाता है। आप इसको डेफिनेशन से समझ सकते हैं, द रिवर्सल ऑफ नॉर्मल ऑर्डर, यानी जो एक नॉर्मल ऑर्डर होता है जब आप उसको रिवर्स करते हैं, यानी आगे पीछे जब आप उसको करते हैं, तो उस समय वो क्या कहलाता है? एनास्ट्रोफी। ठीक है, यहाँ पर आप समझें एग्जाम्पल से और यही बात क्लियर हो जाएगी आपको। देखें यहाँ पर कि पावरफुल यू हैव बिकम, अब आपने ये तो जरूर सुना होगा कि यू हैव बिकम पावरफुल, ठीक है, लेकिन पावरफुल यू हैव बिकम ये तो आपने नहीं सुना होगा। तो यही है एनास्ट्रोफी। बेसिकली सेंटेंस था, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब, और उसके बाद में पावरफुल कम्प्लीमेंट हो था, ये इसका ऑर्डर है। लेकिन आपने पावरफुल कम्प्लीमेंट को पहले रख दिया और सब्जेक्ट ऑर्डर, सब्जेक्ट पार्ट को आपने बाद में रख दिया है। ठीक है, इसी तरह आप देख रहे हैं कि द डार्क साइड आई सेंस इन यू, ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं द डार्क साइड, ये तो कॉम्प्लीमेंट है, बाद में होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई सेंस इन यू, ठीक है, तो ये बेसिकली ये हो सकता था कि आई सेंस इन यू द डार्क साइड, या आई सेंस डार्क साइड इन यू, ये ऐसे होगा। ये आई सेंस सबसे पहले आएगा जो इसका सब्जेक्ट बनेगा, और उसके बाद में द डार्क साइड ये इसके बाद में आएगा, और उसके बाद में इन यू, ये इस तरह से था। लेकिन ये बिल्कुल ही ऑर्डर को आपने चेंज कर दिया है। इसके इससे भी आसान आप यहां से समझ लेंगे इसको, यहां देख लें सेकंड में, एंड हाउ द सिटी स्टैंड्स ऑन दिस विंटर नाइट, यानी ये जो शहर है ये इस विंटर नाइट में किस तरह से खड़ा हुआ है। तो आप देखें एंड हाउ द सिटी स्टैंड्स ऑन दिस विंटर नाइट, ये तो सही ऑर्डर है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? द सिटी को यहाँ से हटाएंगे और आप क्या लिखेंगे? एंड हाउ स्टैंड्स द सिटी, यानी ये जो द सिटी है ये वाला, ये आप कहाँ लेकर जाएंगे? स्टैंड्स के बाद में। तो ऐसा बोल सकता है एक शायर इसको, एंड हाउ स्टैंड्स द सिटी ऑन दिस विंटर नाइट, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो सही ऑर्डर में लिखा हुआ सेंटेंस है, लेकिन अगर आप इसको एनास्ट्रोफी में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा, एंड हाउ स्टैंड्स द सिटी ऑन दिस विंटर नाइट, या और भी तरीका इसका हो सकता है। जैसे भी शायर चाहे वो एक सेंटेंस को आगे पीछे कर सकता है। ये छोटा सा सेंटेंस है, यहाँ देखें, पेशेंस आई लैक, कि मेरे अंदर जो पेशेंस है उसकी कमी है, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, बल्कि ये ऐसा होना चाहिए था कि आई लैक पेशेंस, आई सबसे पहले जाता, उसके बाद में लैक वर्ब आता, और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट पेशेंस आना चाहिए था, लेकिन कॉम्प्लीमेंट को पहले रख दिया, उसके बाद में सब्जेक्ट फिर वर्ब, तो ये भी एनास्ट्रोफी है। इसी तरह इन टू द वाटर डव द बॉय, ये बेसिकली एक पॉजिटिव सेंटेंस है जो कि इस तरह है, द बॉय, एक लड़के ने क्या किया, डव, उसने डुबकी लगाई कहाँ, इन टू द वाटर, ये इस तरह का सेंटेंस था। लेकिन सब्जेक्ट को आपने सबसे बाद में लेकर चले गए, वर्ब बीच में, तो ये एनास्ट्रोफी है। सेंटेंस का सही ऑर्डर क्या होगा? द बॉय डव इन टू द वाटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इन चार एग्जाम्पल्स आपको ये एनास्ट्रोफी अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।